समाजवादी पार्टी के वार्ड 11 से उम्मीदवार मोनेश कुमार को क्षेत्रीय जनता लगातार पसंद कर रही है। मोनेश कुमार का गुरुवार को क्षेत्र की जनता ने अपने क्षेत्र में बुलाकर भव्य स्वागत और सम्मान किया, साथ ही निकाय चुनाव में अपना समर्थन देने की बात कही। वार्ड 11 नगला मोहन से समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार मोनेश कुमार का गुरुवार को क्षेत्र में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा एक बैठक का आयोजन कर समस्त क्षेत्रवासियों से मोनेश कुमार के हित में मतदान करने की अपील की गई। वहीं मोनेश कुमार द्वारा क्षेत्रीय वासियों को आश्वासित किया गया कि अगर क्षेत्रीय जनता का संपूर्ण समर्थन उनके हित में मिलता है और वह सदन में पहुंचते हैं तो क्षेत्रीय जनता का ही हर समस्या का समाधान करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। साथ ही मोनेश कुमार ने क्षेत्र के नौनिहालों के लिए गए संकल्प को भी पूरा करेंगे। हम आपको बता दें कि मोनेश कुमार क्षेत्र की जनता के साथ साथ क्षेत्र के नौनिहालों को एवं छात्र छात्राओं को शिक्षा से जुड़ने के लिए अपनी एक मुहिम विजयी होने पर क्षेत्र में चलाएंगे। मोनेश कुमार का कहना है कि मलिन एवं दलित समुदाय की बस्तियों में नौनिहाल एवं छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कोई भी कार्य किसी भी प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाता। अगर उनको जीत हासिल हुई तो वह क्षेत्र में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करेंगे और हर संभव क्षेत्र के लोगों की मदद करेंगे। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने मोनेश कुमार चुनाव के इस दौर में क्षेत्रीय लोगों द्वारा मोनेश कुमार को जीत का आशीर्वाद के साथ साथ आर्थिक रूप से भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार मदद की जा रही है। नगला मोहन के क्षेत्रीय जनता ने मोनेश कुमार के स्वागत के साथ साथ एक छोटी सी गठरी में भेंट स्वरूप उनको कुछ धनराशि भी प्रदान की और अपना भरपूर समर्थन देते हुए जीत का आशीर्वाद दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट। मैं जितना भी कहीं जा रहा हूं तो मैंने एक क्षेत्र में एक चीज देखी है, क्षेत्र एक बदलाव चाहता है। क्षेत्र कई सालों से क्या हो रहा है, जमीनों क्योंकि ये नाली खरंजे और लाइट वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है लेकिन कोई आदमी सुनता ही नहीं है। बेसिक किसी भी वार्ड की या किसी भी क्षेत्र की जो मूल समस्या होती है वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन पे हमारे ये नौनिहाल बच्चे हैं, क्योंकि अगर हमें इस देश में कहीं पे भी तरक्की में ले जाना है, अगर हमें ये देखते हैं कि हम अमेरिका वगैरह के बराबर में आए तो ये नौनिहाल जो बच्चे हैं उनको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। रास्ता दिखाने के लिए भी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी बाढ़ में के मोटिवेशनल कार्यक्रम करता हो, बच्चों को ये बताता हो हाई स्कूल के बाद आपको क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है, आपके लिए क्षेत्र में कौन सी नौकरियां निकली है। मैं इस मुहिम को बढ़ाने के लिए हर महीने एक मोटिवेशनल कार्यक्रम करूंगा जिसका हर क्षेत्र में मतलब एक स्थान होगा, स्थान पे क्या होगा बच्चों को बुलाया जाएगा जो हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन के, तो उनके एक रास्ता दिखाया जाएगा। जैसे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स उनको ये नहीं मालूम होता है कि हम पूछें किससे। दूसरी बात क्या होती है, इन बच्चों को ये नहीं मालूम होता है हाई स्कूल के बाद हम कौन सा फॉर्म भरें, ट्वेल्थ के बाद क्या फॉर्म भरें। मेरा एक ऑफिस में ये भी मार्का रहेगा कि हाई स्कूल लेवल पर ये नौकरियां निकली हैं, ट्वेल्थ बेस पर ये नौकरियां निकली हैं, उनको रास्ता बताया जाएगा और कोई परेशानी होती है डॉक्यूमेंट्स या और चीज़ों की मैं उनकी सहायता करूंगा। क्षेत्रवासियों से मैं एक यही अपील करूंगा कि हम लघु उद्योग तो वैसे चल ही रहे हैं क्योंकि यहाँ जूते का कार्य चलता है, इसके अलावा और भी लघु उद्योगों को यहाँ पे मैं लाने का प्रयत्न करूंगा जिससे क्षेत्र में विकास की ओर मैं ले जा सकूं। मैं मोनेश जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि देखिए अब तक तो जो हुआ वो हुआ, हमको एक ऐसा पार्षद आप दे दीजिए कि जिसके यहाँ हम रात को 12 बजे भी पहुँच जाएं तो वो हमारे लिए कार्य के लिए तत्पर हैं और मतलब हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और अभी तक जो है जितने भी यहाँ के पार्षद हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अब ये मौका आ गया है कि हम न किसी पार्टी को देख के न किसी और को देख के मोनेश जी को जो है यहाँ का जो है पार्षद चुने और पार्षद बनाए ताकि हम लोगों की जन समस्याएं जो वो दूर होंगी और हर व्यक्ति मोनेश जी के यहाँ रात को 12 बजे या 2 बजे भी जाएगा तो मोनेश जी के दरवाजे हमेशा खुले रहे।